सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो आप दोस्तों ये अगर आप अपने फ़ोन में स्टैंडर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जब इसे ओपन करते हैं और दोस्तों इसे इंस्टॉलिंग करने की बारी आती है, जब दोस्तों चलो यहाँ से हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और दोस्तों जब इसे यहाँ से इंस्टॉलिंग करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पर स्टैंडर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होता है, इंस्टॉल नहीं होता है और दोस्तों यहाँ पर लिख के आता है ऐप नॉट इंस्टॉल्ड। तो दोस्तों आज की वीडियो पर बात करेंगे आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे स्टैंडर्ड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो और इसे अपने मोबाइल में चला सकते हो। तो 100% दोस्तों आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों वीडियो को आपको एंड तक देखना है, बिना स्किप के लाइक नहीं किया वीडियो को अभी से लाइक कर दो। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों इससे रिलेटेड आपने पहले बहुत वीडियो देखी है तो एक बार इस वीडियो को और एंड तक देख लेना। और दोस्तों आपको मैं निराश नहीं करूंगा, मैं आप इसे चला ही के आपको इस वीडियो पे दिखाऊंगा। तो आपको करना है क्या, सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन कर लेना है। और जैसे मोबाइल की सेटिंग ओपन कर लेते हो तो यहाँ पर आपको अबाउट फोन मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है स्टोरेज का। पहली ट्रिक यही है, यहीं से सही हो सकती है, किसी बॉलों की सही हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियर कैश डाटा पे क्लिक करना है, ओके कर देना है, ओके कर देना है, फिर इस पर क्लिक करना है, फिर दोस्तों यहाँ से ओके कर देना है। दो तीन बार दोस्तों जैसे ही ट्रिक को करोगे, यहाँ से ओके करोगे तो ये दोस्तों स्टोरेज आपका मतलब सॉल्व हो जाएगी, स्टोरेज कम हो जाएगा और फिर से दोस्तों आप इसे इंस्टॉलिंग करना है। अगर इंस्टॉलिंग करने से इंस्टॉल हो जाता है तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, नहीं होती है तो मैं चलो बताता हूँ दूसरा तरीका। जब तक वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाद भी दोस्तों अगर इंस्टॉल नहीं होता है तो समझ जाइए आपके फ़ोन में अब स्टैंडर्ड एप्लीकेशन नहीं चलेगा। बट दोस्तों जब भी आप इसे चला सकते हो, आप कैसे चला सकते हो मैं बताऊंगा। तो आपको गूगल को ओपन कर लेना है। अब स्टैंडर्ड एप्लीकेशन जो है, अब दोस्तों ये बड़ी कैटेगरी के फ़ोन में चलेंगे, जैसे आईफोन हो गया, कोई बड़ी कैटेगरी जितने मोबाइल हैं तो उसमें। दोस्तों आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में स्टैंडर्ड एप्लीकेशन के मज़े लेना चाहते हो, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन चलाना चाहते हो तो आपको दोस्तों गूगल ओपन कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर सर्च करना है इंस्टा प्रो एपीके। जैसे दोस्तों आप यहाँ सर्च करते हो इंस्टा प्रो एपीके तो यहाँ पर बहुत सारी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। सिंपली सबको पहले नंबर वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर दे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंस्टा प्रो, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे दोस्तों ऊपर स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, गो टू डाउनलोड पेज। सिंपली सबको गो टू डाउनलोड पेज पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड इंस्टा प्रो एपीके क्लिक कर देना है, इसे डाउनलोड करना है। जैसे स्टैंडर्ड डाउनलोड करते थे वैसे इसे भी करने है, पर दोस्तों ये डाउनलोड हो जाएगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों ये सेम स्टैंडर्ड का तरीके चलता है, जो स्टैंडर्ड में आपको फीचर्स मिलते थे वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और दोस्तों लाइव प्रूफ मैं इसे इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ। देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पर मेरा इंस्टॉल हो रहा है, आप थोड़ी देर वेट करते हैं, ठीक है। तो इंस्टा प्रो मेरा डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों मैं इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो अब इंस्टा प्रो को इंस्टॉल कर लेता हूं। अब दोस्तों यहां पर देखेंगे इंस्टा प्रो सक्सेसफुली यहां पर इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए यहां पर इंस्टॉल हो चुका है। अब ये सेम स्टैंडर्ड के तरीके हैं, सेम स्टैंडर्ड में जो फीचर्स मिलते थे सारे फीचर्स आपको यहां मिलेंगे, पूरी तरीके से काम करता है। अब दोस्तों यहां पर देखते हैं इंस्टॉल होता है कि नहीं। इंस्टा प्रो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है तो आप दोस्तों ये एप्लीकेशन को जरूर चलाइएगा, सेम स्टैंडर्ड के तरीके हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो स्टैंडर्ड चलाना चाहते हैं।